बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे किताब अल असासी पीडीएफ के ऊपर है पेज नंबर 10। अल अस्वाद वल अबजदिया अल अरबिया। अल अस्वाद कहते हैं आवाज़ों को, अल अबजदिया अल अरबिया अरबी के अल्फ़ाबेट्स। यानी कि इस यूनिट में हम बेसिकली अरबी के अल्फ़ाबेट्स को पढ़ना और उनकी प्रोनाउंसिएशन, ये दो चीज़ें हम इस यूनिट में सीखेंगे। अल अरकात व अस्वात अल मद, इन दो चीज़ जो अरबी के अरकात हैं तीन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हाजा और हाजी का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह इस यूनिट में सीखेंगे। अगले सफ़े पे आ जाएं। अल्फाबेट्स अलफ़ज़िया का मतलब है अल्फ़ाबेट्स, जो अरबी के हरूफ हैं ना, अलिफ बा पा ता सा, जो भी हैं जितने भी हैं सारे, वो उन सब को हम कहते हैं अलफ़ज़िया। अलिफ बा ता सा जीम हा खा, इन सब को हम कहते हैं अलफ़ज़िया। तो अब अगले सफ़े पे लिखा हुआ है अवलन, पहले अरकात अलकसीरा व सुकून। पहले हम मुख्तसर अरकात के बारे में पढ़ेंगे और सुकून के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश में वावल होते हैं, इसी तरह अरबी में तीन हरकात हैं, उसी के वावल्स के बराबर होती हैं ये। तो इन तीन हरकात को हम कहते हैं, पहली ये हरकत बनी हुई है यहाँ पे बिल्कुल सफ़े के राइट साइड पे ये बनी हुई है, इसको हम कहते हैं अलफ़तह। फिर दूसरी जो हरकत है इसको हम कहते हैं अलकसरा, और तीसरी हरकत को हम कहते हैं अदम्मा। और फिर इन तीन हरकतों के बाद है सकून, है इसको हम सुकून ही कहते हैं। तो ये चार नाम आप एक दफ़ा पढ़ें। ज़बर को अल फतह कहते हैं, ज़ेर को अल कसरा, पेश को अल दम्मा, और बोल इसको सुकून को सुकून ही कहते हैं हम। तो ये जो चार नाम है आपने ये अरबी में याद रखने, क्योंकि ये हमें हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये चार नाम आपको लाजमी याद होने चाहिए। आगे फिर ये लफ्ज़ और जुमले लिखे हुए आसान से, आप इनको पढ़ लें एक दफ़ा। अवलन الحركات القصيرة والسكون بيت هذا بيت घर ये घर ठीक है, ये घर है। ये घर बिन बेटी हाजी बिन ये बेटी है मुश्त कंगी हाजा मुश्त ये कंगी ठीक है शम्स सूरज हाजी शम्स ठीक है। आज आपकी आवाज़ बहुत हल्की है। आगे क्रोम से कनेक्ट किया आज लैपटॉप से, पहले अच्छा तभी एंड्रॉइड से करते हैं, जी जी लेकिन मैंने क्रीम किया हुआ है इसको, आ ठीक रही है। जी आ रही है। ठीक है आगे सानियन अलरकात तवीला अलमद। अब हम लंबी जो आवाज़ और हरूफ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम मद भी कहते हैं। तो बस हमने इसमें यही करना है कि जो जितने भी ये अलिफ हैं या है और वा, इन तीनों को हम थोड़ा सा खींच कर लंबा करके पढ़ेंगे। जैसे किताबुन, अलिफ को मैंने लंबा कर दिया। सरीरुन, या को मैंने लंबा कर दिया। सूरुन, इसमें वाव को मैंने लंबा कर दिया। तो ये आपने करना है, इनको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है। लैपटॉप के साथ भी वैसे हैंड फ्री लग जाती है जी हैंड आपके। फ्री लगाई हुई है। ठीक है अब आप पढ़ें से। किताब हाजा किताब किताब ये किताब सरीर बेड हाजा सरीर ये बेड है सूर जाली जंगला जंगला हाजा सूर ये जंगला है। ठीक है। अगले सफ़े पे लिखा हुआ तदरीबुल अव्वल, इस्मा वरदिद, क्या मतलब है इसका? इस्मा वरदिद सुने और बिल्कुल ठीक है। आप इन सब लफ्ज़ों को पढ़ें और जुमलों को पढ़ें। बैत हाजा बैत बिन सर इसमें बैत बन जाएगा जी बैतुन ज़्यादा बेहतर है और सिंपल में बैत जी। बिन बिन हाजी बिन या बिन तू बस सिंपल बिंद पढ़ लें, बिंद हाजी बिंद, ये लड़की है। हाजी ये लड़की है मुश्तु हाजा मुश्तु कंगी ये कंगी है शम्स सूरज हाजी शम्स
ये सूरज है किताब, किताब हाजा किताब, ये किताब है सरीर हाजा सरीर, ये बेड है सूर हाजा सूर, ये जिंदा है। ठीक है, आगे तदरीब सानी इस्मा वदा अलामत सहिया, सुनो और टिक का निशान लगाओ, ता तस्वूरत सहिया, सही तस्वीर के नीचे। तो ये सवाल यहाँ पे हल नहीं हो सकता इस तरह ऑनलाइन, तो हम इसको अगले सफ़े पे आ जाएं, इसको छोड़ दें। अगला है अलवादतु सानिया, दूसरा यूनिट, अलस्वातु सहिया, कॉन्सोनेंट वॉइसिस, बा मीम फा वो, इन चार के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है हल हाजा हल हाजी, इनको पढ़ेंगे। हल हाजा का मतलब है क्या ये, हल हाजी का भी मतलब है क्या ये मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। माह हाजा माह हाजी, इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे। अगले सफ़े पे है बा, इसको हम अरबी में पढ़ते हैं बा, यहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दें बा से। बैतु अलहाजा बैतु, क्या ये घर है? नाम हाजा बैतु, जी हाँ ये घर है। हबलु रस्सी, अलहाजा हबलु, क्या ये रस्सी है? नाम हाजा हबलु, जी हाँ ये रस्सी है। मकतब टेबल, अलहाजा मकतबु, क्या ये मेज है? नाम हाजा मकतबु, जी हाँ ये मेज है। या तो आप इसको पढ़े मकतब किताब, पढ़ें, या पढ़े मकतबुन पढ़ें, आखिर में दमा ना लगाएं, या तनवीन लगाएं, या कुछ भी ना लगाएं। समझ आई? यानी कि मैं इसको यूं पढूं, हल हाजा मकतब ठीक है, हल हाजा मकतबुन ये भी ठीक है, लेकिन अगर मैं यूं पढूं हल नाम हाजा हाजा मकतबु, मकतबू तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ दमा नहीं लगेगी। आगे पढ़ें। हल हाजा मकतब, नाम हाजा मकतब, ठीक है, ठीक है। किताब, सही है। हल हाजा किताब, किताब ठीक है, नाम हाजा किताब, ये किताबुन किताब ठीक, जी, किताब जी हाँ ये किताब। बिल्कुल ठीक है। आगे बा फील, फील हाथी, हल हाजा फील, क्या ये हाथी है? नाम हाजा फील, जी हाँ ये हाथी है। सफीना उसकी, हल बैरी हाजा जहाज, सफीना, सफीना सफीना का मतलब है बहरी जहाज। हल हाजी सफीना, क्या ये बहरी जहाज है? नाम हाजी सफीना, जी हाँ ये बहरी जहाज है। अनफुका नाक, हल हाजा अनफु, अनफु क्या ये नाक है? नाम हाजा अनफु, जी हाँ ये नाक है। जरफुन, हल हाजा जरफुन, क्या ये खत है? नाम हाजा जरफुन, जी हाँ ये खत है। ये खत नहीं है, ये इनवेलप है। जी हाँ ये इनवेलप है। आगे मीम निफस, हल हाजा निफस, नाम हाजा निफस, क्या ये कैंची है? जी हाँ ये कैंची है। जमल, हल हाजा जमल, नाम हाजा जमल, क्या ये ऊँट है? जी हाँ ऊँट। कलम, हल हाजा कलम, नाम हाजा कलम, क्या ये कलम है? जी हाँ ये कलम है। कदम, हल हाजी कदम, नाम हाजी कदम, क्या ये पाँव है? जी हाँ ये पाँव। आप यहाँ पे ज़रा नोट करें कि नाक अनफ के लिए उसने इस्तेमाल किया हाजा, पाँव कदम के लिए उसने इस्तेमाल किया हाजी। तो ये वजह ये है कि जो भी एक होती है चीज़ उसके लिए हम हाजा इस्तेमाल करते हैं, और जो दो या दो से ज़्यादा होती हैं या जमा में होती हैं उनके लिए हम हाजी ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। पर यहाँ पे देखता हूँ, पाँव हमारे पास दो होते हैं, नार बंदे के पास
तो इसलिए हम आज ही इस्तेमाल करते हैं। आंखें दो होती हैं, हाथ दो होते हैं, कान दो होते हैं, इन चीज़ों के लिए हम हाज़ी ही इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ इसके अलावा जो भी चीज़ जमा में होगी या एक से ज़्यादा होगी हम उसके लिए हाज़ी इस्तेमाल करेंगे, और जो सिर्फ़ एक होगी अकेली होगी उसके लिए हम हाज़ा इस्तेमाल करेंगे। वाओ बरकतुन हल हाजी बरकतुन नाम हाजी बरकतुन, क्या ये फूल है या गलत, नाम है फूल का? गुलाब का फूल। ये हाजी यूज किया है बरकतुन, इसके मल्टी सेंस में आया। इसलिए हमने इस्तेमाल किया क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ये मोनस है, जिस लफ्ज़ के भी आखिर में गोल ता होगी उसको हम एज अ मोनस ट्रीट करेंगे अमूमन, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स होंगे ना ऐसे उनको हम एज अ मोनस करेंगे। या आप बस याद रखेंगे जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता आएगी तो उसको एज अ मोनस हम लिखेंगे, जैसे वर्दा के आखिर में गोल ता है तो हमने इसलिए इसको कर दिया हाजी ही। ठीक है, तो इसे हम हाजी भी पढ़ते हैं, हाजी भी पढ़ते हैं। हाजी ही ये प्रेजेबल की बजाय जो है गलत लिखा हुआ है। ये फतह लिखा हुआ है लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको हा अलिफ जा हे हाजी ही पढ़ते हैं, लेकिन लिखते हुए हम अलिफ को छोड़ देते हैं, उसकी जगह हम फतह लगाते हैं। صوت هل هذا صوت نعم هذا صوت क्या ये बैल है? जी हाँ ये बैल है। ठीक है, बल हल हाजा दलवुन नहम हाजा दलवुन, क्या ये बाटी है? जी हाँ ये बाटी है। सही है। जर हल हाजा जर नहम हाजा जरबुन, जरू कुत्ते का बच्चा। क्या ये कितने का बच्चा है? जी हाँ कितने का बच्चा है। ठीक, आगे तदरीबात लिखा हुआ है। तदरीबात का मतलब है मशकें। तदरीबुल अव्वल पहली मशक, मा हाजा ये क्या है, हमने तस्वीर के हिसाब से इनको जवाब देने हैं। जो मुजक्कर लफ्ज़ हैं उनके लिए हम हाजा लगाएंगे और जो मोनस हैं उनमें हम हाजी पढ़ेंगे। तो पहली तस्वीर में जरू मुजक्कर है, हम कहेंगे हाजा जरू ये कुत्ते का बच्चा है। दूसरी तस्वीर में दल्लू, ये भी मुजक्कर लफ्ज़ है तो हम कहेंगे हाजा दल्लू ये बाल्टी है। तीसरी तस्वीर में वड्डा गुलाब का फूल, इसके आखिर में गोलता आती है तो ये मोनस लफ्ज़ है, हम कहेंगे हाज ही वड्डा ये गुलाब का फूल है। इसी तरह आप सब तस्वीरों के हिसाब से बताएं मुझे। हाजा जरबुन हाजा दलबुन हाजा हाजी वर्दा हाजा दौड़ हाजा दौड़ हाजी कदम, हाज ही कदम। हाजी कदम और हाजा कलम हाजा जमल हाजा हाजा मिकस हाजा आएगा हाजा मिकस जी ठीक है, बिल्कुल हाजा जर सही है। हाजा अन हाजा सकीना गलत। हाजी हाजी सकीना हाजा पी ठीक है, आगे है तदरीब उसानी। अजिब कमा फिन नमूज़ज, अजिब का मतलब है जवाब दें, कमा फिन नमूज़ज जैसा कि मिसाल में दिया गया है। तो या आप कर लेंगे या मैं कुछ समझाऊँ। हाजा किताब, क्या एक किताब है? नाम हाजा किताब, जी हाँ किताब है। हल हाजा बिलकस, क्या ये कैंची है? ना हाजा मतलब नहीं, ये एक मेज है।
هل هذه الشمس يعني سورج هي؟ نعم هذا حبل. غلط. لا هذا هبل، لا هذا هبل، شروع میں لا لا لگانا هذا حبل، ہے. جی نہیں یہ غسیل ہے. لا هذا حبل. هل هذه قدم؟ لا هذا ثوب. هل هذا سرير؟ نعم هذا سرير. هل هذه شمس؟ نعم هذا شمس. هذه هل شمس. هذا نعم هذه شمس. هي الشمس كي هذا من یہ شمس اور ارض، یہ دو لفظ ہیں، یعنی کہ سورج اور زمین، دو ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم حاضی استعمال کرتے ہیں. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، پوائنٹ سپیشل کیس ہے. هل هذا قلم؟ لا هذا لا هذا مشت. مشت. لا هذا مشت. هل هذا كتاب؟ نعم هذا بنت. لا هل هذه. هذا كتاب؟ يعني كتاب هي. لا هذه بنت. هل هذا بيت؟ نعم هذا بيت. هل هذا درب؟ لا هذا مقص. الوحدة الثانية في سلسلة الأسواق الشركة. مراجعہ کہتے ہیں ریویژن کو، دوہرائی کو، مراجعہ. آگے سا ہے، یہاں سے پڑھیں. آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. یہ صحیحہ مطلب کونسوننٹ وائسز، الاسواب الصحیحہ کون سا؟ کونسوننٹ وائسز. ثوب. ما هذا؟ هذا ثوب. یہ کیا ہے؟ یہ بیل ہے. تمثال. ما هذا؟ یہ کیا ہے؟ هذا تمثال. یہ بچہ ہے. یہ سٹیچو کو کہتے ہیں تمثال، یہ جو ہم بناتے ہیں نا سٹیچو، اس کو ہم کہتے ہیں تمثال. یہ مجسمہ ہے. مثلث. ما هذا؟ هذا مثلث. یہ کیا ہے؟ یہ ٹرائنگل ہے. ٹھیک ہے. محراب. ما هذا؟ هذا محراب. یہ کیا ہے؟ یہ میراث ہم بیل کے پیچھے لگا کے کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، اس ہل کو ہم میراث کہتے ہیں. ہل ہے. زین. ما هذا؟ هذا زین. یہ کیا ہے؟ یہ گھوڑے کی دم ہے. بس کسی بھی جانور کی دم کو ہم ذیل کہتے ہیں. یہ اذن. ما هذه؟ هذه اذن. یہ کیا ہے؟ یہ کان ہے. فقیز. ما هذه؟ هذه فقیز. یہ کیا ہے؟ یہ ٹانگ ہے. نہیں، ٹانگ نہیں ہے، یہ تھائی ہے. تھائی، تھائی، THIGS، تھائی. زرق. زرق. ما هذا؟ هذا زرق. یہ کیا ہے؟ یہ بلب ہے. ما هذه؟ هذه محفظة. یہ کیا ہے؟ یہ والد ہے. ٹھیک ہے، والیٹ صحیح ہے. ما هذه؟ هذه محافظ. یہ محفظہ کی جمع محافظ. یہ والد ہے.
ज़ैल कहते हैं दुम को, टेल को। ज़र इवेल मुथल्लक ट्रायंगल दुम कान महफ़ज़ा इवेलप्स मिहराज महफ़ज़ा बटवा वॉलेट। महफ़ज़ा वॉलेट मिहराज हल पाकिस थाई हाय पाकिस हाय वहाँ मटवे ठीक है। आगे तदरीब सानी है, तदरीब सालिस है, ये दोनों यहाँ हल तो नहीं कर सकते। बस मैं सवालों का मतलब आपको बता देता हूँ। दा दायरा एक दायरा लगाएं, हाउल रमज साउथ उस आवाज़ के गिर्द दायरा लगाएं। अल्लाजी जो तस्माऊहू जो आप सुने, फी अवल कलीमा लफ्ज़ के शुरू में। हम से कह रहे हैं लफ्ज़ के शुरू में जो आप आवाज़ सुने उस हर्फ के गिर्द दायरा लगा दें। तदरीब सालिस में वो कह रहा है दा दायरा हाउल रमज साउथ अल्लाजी तस्माऊहू फी आखिर कलीमा, लफ्ज़ के आखिर में जो आप आवाज़ सुने उसके गिर्द दायरा लगा दें। तो ये नहीं हो सकता हाल यहाँ पे। आगे है दा तदरीब राबिया, दा दायरा हाउल रमज हलकत तिल कसीरा अल्लती तस्माऊहा फी अवल कलिमात। हमने जो हरकत अभी पढ़ी हैं इनको मुख्तसर हरकत कहते हैं। तो वो कह रहे हैं जो मुख्तसर हरकत आप लफ्ज़ के शुरू में सुने उसके गिर्द दायरा लगा दें। हर लाइन में तीन हरकत दी हुई हैं। फिर है तदरीब खामिस में भी ये कुछ कह रहे हैं, हरकत तो तवीला जो भी लंबी हरकत वाला लफ्ज़ सुने आप फी फिलकलीमा लफ्ज़ के शुरू में, या लफ्ज़ के अंदर जो भी आप लंबी हरकत वाला सुने उसके गिर्द दायरा लगा दें। ये भी हल नहीं हो सकता। तदरीब सादिसा इंतकाल रूफ अल आतिया, ये सवाल अभी हम पढ़ेंगे। इंतिक का मतलब है प्रोनाउंस करें। इंतिक अलरूफ अलातिया नीचे दिए गए जो हर्फ हैं इनको प्रोनाउंस करें, इनको पढ़ें। मजबूततन बिल हरकात, हरकात की मजबूती के साथ इनको पढ़ें। अल्लती फौकहा औ ताताहा जो इनके ऊपर हैं, फौकहा जो इनके ऊपर हैं, औ ताताहा या इनके नीचे हैं। वो कह रहे हैं जो इनके ऊपर या नीचे हरकात दी गई हैं इनकी मजबूती के साथ आप इनको पढ़ें। तो इस तरह इनको पढ़ना है बा बी बुत। तो इस तरह आप इनको पढ़ें ज़रा। ठीक है, बिल्कुल। आ गया है तदरीब साबिया इंतिक प्रोनाउंस करें। अल कलिमातिल मुआब्बिरा वो लफ्ज़ प्रोनाउंस करें जो इस तस्वीर को एक्सप्रेस करता हो, यानी कि हम उनसे कह रहे हैं ऐसा लफ्ज़ प्रोनाउंस करें जो इन तस्वीर को एक्सप्लेन करता हो, एक्सप्रेस करता हो। तो वो हर तस्वीर का नाम इसको सबसे बेहतर एक्सप्रेस करता है। तो आप इन सब तस्वीरों का नाम पढ़ें। ज़ैल आई मुथल्लक बुदुनु ज़र्फ और महफिज़ा मुहाफिज़ शम्स अन मकतब तिमसाल, स्टैचू को कहते हैं तिमसाल। तिमसाल मकतब किताब ठीक है। तदरीब सामिना अकमिल कमा फिन नमोज़ज, मुकम्मल करें जैसा कि मिसाल में किया गया है। तो ये वही हरूफ और कमरिया हरूफ शमसिया हमने किताब दुरूस और लुगत अरबिया में शायद आपने पढ़े हों, उसमें ये है। तो उस तरह आप इनको पढ़ें। इनको पढ़ने का सब कुछ जो तफसील है वहाँ पे हमने शायद पढ़ लियो आपने। तो यहाँ आप इनको पढ़ें आप। القمر القمر الشمس الشمس بنت البنت البنتو البنت الدلو الأذن السرير الكتاب الظرف जी
حروف الشمسية میں لام سائلنٹ ہوتا ہے اور حروف القمریہ میں لام کون پڑھتے ہیں؟ آگے ہے الوادت الرابعہ چوتھا یونٹ، الاصوات الصحیحہ کونسوننٹ وائسز تا دال تو دواد، ان چار حروف کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے. عین کا مطلب ہے کہاں، فوق کا اوپر، تا تا نیچے، امام آگے، خلفہ پیچھے، علا پر، فی میں، ان کا استعمال پڑھیں گے ابھی ہم. آگے تا لکھا ہوا، یہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں. تا دینا تین، تین کا مطلب ہے انجیل، و تینی و زیتونی، تین کا مطلب ہے انجیر. تین کا مطلب ہے انجیل. और मतलब एक बाइक हाथ लिया समय का कैसी सजारा गाड़ी चिप बच्चा एक तो शेर बिल्ली, कुत्ता का मतलब है बिल्ली. शाद कंगी कन्या शाद जैक दीक, मुर्गा दीक मुर्गा हरीफा पिक्चर बाग, गार्डन, पार्क. गार्डन सादा रबड़ सराहना, तकिया, पिल्लो. सादा तकिया वर्क गुलाब का फूल गुलाब के फूल जमा है ये, वर्दा की जमा वर्द. तकिया इंस्पेक्टर, ऑफिसर. यह हंसना बैल अंडे हाउ सिंक, वॉशिंग बेसन. आईना अल किताब किताब कहाँ है अल किताब फौक अल मकतब किताब मेज पर है आईना अल कुत्ता बिल्ली कहाँ है अल कुत्ता तहत सरीर बिल्ली बैठ के नीचे है आई ना सजारा गाड़ी कहाँ है सजारा तो अमामल भाई गाड़ी घर के आगे है आई ना तौर बैल कहाँ है तौर कल का सूर बैल जंगले के पीछे है आई ना सारा तकिया कहाँ है अल सारा तो अल सरीर तकिया बेड के ऊपर है आई ना बर्फ गुलाब के फूल कहाँ है अल बर्फ फिल हदीफा तकरीर ठीक है. अफल इसमें वबा रहमत आदत सूरत सुईहा सुने और टिक का निशान लगाएं उस सही सही सूरत के ऊपर जी अलबिंतु अमानत अमानत पंताल बेटी मुजस्मे के पीछे मुजस्मे के आगे समय का तो फिर कौन सी तस्वीर सही है, पहली या दूसरी? बेटी जिसमें के पीछे दूसरी समय का आगे तो है फिर अलबिंतु इमामत तिमसाली, लड़की मुजस्मे के आगे है. आगे लड़की जिसमें के आगे है तो ये दूसरी तस्वीर जी, दूसरी तस्वीर पे हम टिक का निशान लगा देंगे. आगे संग का तो फिर दल मछली पार्टी के अंदर है पहली तस्वीर ठीक है. अतलबु अल हव ये पहली तस्वीर है वॉश बेसिन के अंदर
طيب الوسادة تحت الحب يدوسك شيئا بجاء منه منه القلم فوق الظرف فلم يفانك اسمه فلم استعمالك وكان أصحابي خلف المكتب أوفيسر بيز के पीछे है पहले किसी को ठीक है। तकरीब تدريب الثاني دا دائرة حول الرمز صوت الذي تسمعه في أول الكلمة اس آواز کے دائرہ لگائیں جو آپ لفظ کے شروع میں سنیں۔ تدريب الثالث دا دائرة حول الرمز صوت الذي تسمعه في آخر الكلمة اس آواز کے دائرہ لگائیں جو آپ لفظ کے آخر میں سنیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ آگے الوادت الخامسہ پانچواں یونٹ الاصوات الصحیحہ کونسوننٹ وائسز سین سواد زے ان کا پڑھیں گے۔ مراجعہ کیا مطلب ہے مراجعہ کا؟ ریویژن کرنا، مراجعہ دہرائی کرنا، ریویژن کرنا۔ وا کا مطلب ہے اور، تدریب علی الکتابہ رائٹنگ کی پریکٹس، یعنی کہ اس میں ہم ریویژن بھی کریں گے اور ساتھ ہی لکھنے کی مشق بھی کریں گے، رائٹنگ کی ایکسرسائز کریں گے۔ آگے ہے سین، یہاں سے پڑھیں آپ۔ سمتا في مسجد يجلس صفا بیٹھنا، یجلس بیٹھنا۔ يجلس بیٹھ رأس سر کو کہتے ہیں، ہیڈ کو۔ رأس صوت صدور اور لسان تھوڑا کورس کہتے ہیں ٹیبلٹ کو جو ہم کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ڈسک ہوتی ہے جو سپورٹس کے اندر استعمال ہوتی ہے، تو آپ اس کا مطلب ٹیبلٹ کر دیں کورس۔ ٹھیک ہے۔ تدريب أفضل بعد داية حول رتم الصوت الذي تسمعه في أفضل الكلمة دائرة لغاية اس آواز کے دفت جو آپ سنے جو کلمة کی شروع جی آگے تدریب ثانی میں نہایا لکھا ہوا، نہایا کہتے ہیں آخر کو، جب بالکل آخر میں آپ سنیں اس کے گرد آواز لگا دیں، اس کو بھی چھوڑیں۔ تدریب الثالث پہ آ جائیں، عجیب انیل اسئلتی کما فی سوری، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوالوں کے جواب دیں جو جی تصویر کے مطابق سوالوں کا جواب دیں۔ العین البنت لڑکی کہاں ہے، البنت فی السیارہ لڑکی گاڑی میں ہے۔ کیا مطلب ہے تا تو کہتے ہیں نیچے کو، تا کا مطلب ہے نیچے۔ القطة على السرير بلی پلنگ پر ہے، اعلی کا مطلب ہے پر۔ فوقا کا مطلب ہے اوپر، تو اردو میں آپ اس کا کیا کہیں گے؟ بلی کو، بلی کہاں پر ہے؟ پر ہے، تو ہم پر کے لیے اعلی استعمال کریں گے۔ جی القطة على السرير، على السرير أين الجرم؟ الجرم تحت المكتب، ٹھیک ہے۔ الجر تحت المكتب، ٹھیک ہے۔ مكتب أين الثور؟ الثور أمام مهراس،
الثور إمام المهراسي. مهراسي ميراث کہتے ہیں حل کو، ہم نے پڑھا تھا ابھی پہلے. الثور مشرا جی، الثور إمام المهراسي. الثور إمام المحراسي. أين الديك؟ وجا كمان الديك الديكو. ديك. أين الديك؟ وجا كمان الديك على السوق होगा चकले पर. ठीक है. आई ने बुआबित ऑफिसर कहाँ है? अब बुआबित तो खाना फल मकतब. ठीक है, आई ने माउस. सही है. الموضوع في الصندوق. الموضوع في الصندوق. तो संदूक, इसको इसको संदूक ही कहते हैं अरबी में. अभी हमने पढ़ा था पिछले सफ़े पे, जब स्वाद हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था. أين الموز؟ الموز في الصندوق. أين الغزال؟ الغزال في الحديقة. हदीका तो बाग को कहते हैं, तो यहाँ पे ये जंगल है, तो जंगल को हम कहते हैं दगल, और जो फॉरेस्ट होता है उसको हम कहते हैं गाबा. तो आप दोनों में से कोई एक लफ्ज़ लगा सकते हैं, अलगज़ालो फिर दगल, या यूँ भी कह सकते हैं अलगज़ालो फिर गाबा. दोनों में से आप जो आसान लगे आपको. सॉरी सर, आवाज कट गया. जंगल को हम कहते हैं, इंग्लिश का लफ्ज़ है जंगल, इसको हम अरबी में कहते हैं दगल, और इंग्लिश का लफ्ज़ है फॉरेस्ट, इसको हम अरबी में कहते हैं गाबा. तो आप जो आसान लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं. अलगज़ालो फिल दगल, द डियर इज़ इन द जंगल. अलगज़ालो फिल गाबा, द डियर इज़ इन द फॉरेस्ट. सर डबल वाइन से दाल वाइन लाम जी, दाल गाइन लाम. डबल और गाबा वाइन फाइनली हुआ बाजर गाबा जी, गाइन अलिफ गा बा और गोल ता गाबा. अलगजालू की डबल जी, काफी हुआ. आ गया है तदरीब रबिया. उक्तुब लिखो, अलजुमल जुमले लिखो, अल्लती जो, फी तदरीब सालिस जो तदरीब सालिस में है. वो कह रहा है तदरीब सालिस में जो जुमले हैं आप उनको यहाँ पे लिखा, इन खालजिगों में लिखें. तो ये लिखने की मशक है. आगे है अलवादतु सादिसा. ये जब नेक्स्ट टाइम हमारी क्लास होगी तो इंशाल्लाह हम उसको ये पढ़ेंगे. ठीक है, मैं वीडियो को यूट्यूब पर डाल दूंगा, लाइक.